पिछले ट्यूटोरियल के अंदर गाइज हमने डू वाइल और वाइल लूप को कर लिया था जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ में अपनी और आज के ट्यूटोरियल में गाइज हम करेंगे फोर लूप का डिस्कशन और फोर लूप की प्रैक्टिस और कैसे काम करती है फोर लूप वो भी देखेंगे तो गाइज चलते हैं पहले देखते हैं कि फोर लूप है क्या और कैसे वो काम करती है तो यहाँ पर गाइज हमने डू वाइल लूप कर ली थी नेक्स्ट चलते हैं फोर लूप और फोर लूप क्या गाइज फोर लूप इज़ यूजली यूज टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम वैसे फोर लूप को चाहो तो आप इन्फिनिट कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर वो जो है ना उसकी कंडीशन आपको उसी के अंदर देनी पड़ती है मतलब कि अगर आपको नंबर ऑफ कुछ नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपको चलाना है ना कि भाई स्पेसिफिक है कि मेरे को दस बार पंद्रह बार बीस बार ये चलाना है ज़्यादातर फोर लूप का यूज़ उन्हीं चीज़ों में करते हैं जिसमें आपको पता हो कि मेरे को इतने नंबर ऑफ टाइम लूप चलानी है ठीक है तो वाइल्ड लूप का ज़्यादातर टाइम आप उसमें यूज़ करोगे ऐसे जब आपको नहीं पता हो कि आपको कब तक चलानी है जैसे आप किसी डेटा से डेटा उठा रहे हो तो जब तक डेटा आ रहा है तब तक चले जैसे ही डेटा बंद हो जाता है

यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया और फोर लूप प्रोग्राम के अंदर हम आ चुके हैं यहाँ पर बनाता हूँ फटाफट से मेन फंक्शन और यहाँ पर मैं आपको फोर लूप चला के दिखाता हूँ सबसे पहले गाइस तो सिंटेस लिखते सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर फोर के बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पर कर ली ब्रैकेट लगाऊंगा ठीक है और यहाँ पर मैं साउट कर देता हूँ आई को ठीक है आई हमने बनाया नहीं अभी तक लेकिन मैं अभी साउट कर रहा हूँ आई को ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले तो आएगी गाइस इनिशियलाइजेशन मैंने आपको बताया इनिशियलाइजेशन का मतलब है वेरिएबल को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मान लो इंटीजर का वेरिएबल है तो

वो मैं भी आपको बताता हूँ सबसे पहले इसने क्या किया आई को इनिशियलाइज किया मतलब कि एक आई नाम का वेरिएबल बनाया ये वेरिएबल जब तक है तब तक आपकी लूप खत्म नहीं हो जाती ठीक है ये वेरिएबल जब तक रहेगा इसने स्टार्टिंग में आई का वेरिएबल बनाया आई नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू इसने जीरो दे दी स्टार्टिंग में ठीक है आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो और जो वैल्यू आपको देनी है वो दे सकते हो ठीक है उसके बाद ये वेरिएबल बनाने के बाद ये क्या करता है ये कंडीशन चेक करता है क्या करता है ये कंडीशन को चेक करता है जो भी आपने आ कंडीशन दे रखी होगी ना उसको चेक करेगा अगर वो ट्रू है तो तो लूप चलेगी वरना लूप नहीं चलेगी अगर वो फोल्स हुई जो कंडीशन है तो ये लूप नहीं चलेगी ठीक है अगर मैं यहाँ पर इसको इलेवन कर दू या फिर टेन ही कर दू तो ये लूप यहाँ पर नहीं चलेगी हमारे पास कुछ भी नहीं यहाँ पर आएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू टेन होगी स्टार्टिंग में और पहले इसने कंडीशन चेक करी यहाँ पर फोल्सा है तो ये लूप चले ही नहीं ठीक है और मैं इसको वापिस से जीरो कर रहा हूँ तो देखो इस यहाँ पर जैसे ये लूप चलती है लूप का अंदर का जो कोड है वो खत्म होने के बाद इंक्रीमेंट होता है ये यहाँ पर है इंक्रीमेंट यहाँ पर जो कोड होगा वो आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप चाहो वो कर सकते हो मतलब कि आई में जो है एक प्लस हो जाएगा मतलब आई जो है वो वन हो जाएगा फिर आपकी जो तो आई वन होने के बाद फिर से आपकी जो कंडीशन है वो चेक होगी फिर से आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा फिर से इंक्रीमेंट होगा फिर कंडीशन चेक होगी अगर ड्रू हुई तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा जैसे हमारी जो आई की वैल्यू टेन हो जाती है यहाँ पर जो कंडीशन फॉल्स हो जाती है और हमारी लूप जो है वो बंद हो जाती है ये है हमारी फोर लूप इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाया तो ये आसान है इसीलिए और वैज़ आप इसको नेगेटिव वे में भी चला सकते हो जैसे कि अगर मैं इसको टेन सेलेक्ट करता हूँ और जो है आई जब तक जो है बड़ा है ज़ीरो से तब तक ये चलेगी आई माइनस माइनस होगा मतलब कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में होगी टेन फिर आई प्रिंट होगा उसके बाद i माइनस माइनस मतलब कि i में एक कट जाएगा i की वैल्यू नाइन हो जाएगी फिर कंडीशन चेक होगी फिर अपना कोड एग्जीक्यूट होगा फिर अपडेट होगा ऐसे चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जैसे ही फॉल्स हो जाएगी हमारा जो लूप है वो एग्ज़िट कर जाएगा मतलब कि बाहर निकल जाएगा तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास उल्टी गिनती आती दस से लेके एक तक की देखो यहाँ दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक ये हमारे पास आ चुकी है तो ये है गाइस हमारी फोर लूप ऐसा नहीं आप एक लूप के अंदर एक दूसरी लूप नहीं डाल सकते आप एक लूप के अंदर दूसरी लूप तीसरी लूप के अंदर चौथी लूप कितनी भी लूप के अंदर कितनी भी लूप कितने भी ईफेल्स के अंदर कितने भी ई फेल्स किसी भी लूप के अंदर ईफेल्स किसी भी ईफेल्स के अंदर लूप कोई भी किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हो फ्रीली ठीक है ये गाइस सारी चीज़ें लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स और आपकी जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स या आपकी नेस्टेड फ्री होती है मतलब कि आप नेस्ट करो इनको जितना हो सके कर सकते हो ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं है लिमिट नंबर ऑफ टाइम कि आप इतने टाइम ही नेस्ट करो नहीं तो खैर जो आज की वीडियो थी खैर वो इतनी थी आप फोर लूप की प्रैक्टिस करो थोड़ी सी और एक आपको प्रोग्राम देता हूँ बनाने के लिए आप क्या करो एक प्रोग्राम बनाओ जैसे कि जो की two की multiplication कि टू की मल्टीप्लीकेशन दे मतलब कि टू का टेबल दे हमको पूरा का पूरा बना के दिखा देता हूँ आई को ये क्या करो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास यहाँ पर टू का टेबल आ जाएगा वो भी उल्टा यहाँ पर जो है उल्टा आएगा ठीक है मतलब कि देखो यहाँ पर आ चुका है ट्वेंटी एटीन सिक्सटीन अगर इसको सीधा करना है तो यहाँ पर मैं वन दे दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूंगा सिस्टम यहाँ से इक्वल और यहाँ प्लस प्लस कर दूंगा इसको ठीक है अब हमारी जो लूप है वो चलेगी एक से लेके दस तक और जो हमारा आई है वो हर बार टू से मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होगा तो हमारे पास यहाँ पर टू की टेबल आ जाएगी देखो हमारे पास आ गई टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व सिक्सटी एटीन ऐसे आप टेबल वगैरह बनाइए या फिर कुछ भी जो आपके मन में है ना आप बना के देखिए यार आपको समझ आएगा अच्छे से ठीक है तो अब बनाइए इसको और मिलते हैं गाइस आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक करे शेयर करे अपने दोस्तों के साथ और गाइज प्लीज 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 प्लीज, प्लीज, प्लीज शेयर जरूर करे बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिला है हिंदी में बहुत ईजी तरीके से विद नोट्स ठीक है विद आपको नोट्स के साथ मिल रहा है तो एज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गाइज बाय सी यू इन नेक्स्ट वीडियो